पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं मलिनिमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। हरे कृष्ण, आज हम भगवद्गीता के अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब तक आपने शुरू के पिछले 13 दिनों में भगवद्गीता 13 अध्याय की अपनी चर्चा की है, जिसपे हमने ये समझा, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक हमने समझा कि श्री कृष्ण भगवान जो हैं परम सत्य भगवान हैं, उनके विषय में बताया गया है। फिर बताया गया है कि जब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं, तो यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास करता है तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाता है। 13वें चैप्टर में ये बताया गया कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास कैसे करते हैं और उसके ज्ञान का विकास करने के पश्चात हम कैसे भव बंधन से छूट सकते हैं। यह भी बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि प्रकृति के गुणों के संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है। हमने अब तक के चैप्टरों में यह समझा कि 6 तत्व के बारे में समझाया गया है, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, क्या ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेयम और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। ये हमने 6 टॉपिक जो भगवद्गीता के हैं उन पर चर्चा की गई है। तो 14वां चैप्टर जो है, बेसिकली ये चैप्टर प्रकृति के गुण के बारे में बताया गया है। गुण मतलब ये नहीं कि क्वालिटी, गुण का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रकृति के जो क्रियाएं, जिसे जो भौतिक जगत कंट्रोल किया जा रहा है, तो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह हम बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमें इस अध्याय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में इस ज्ञान का प्रकाश दिया गया है कि अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञानों से इसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। तो यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उसे जान लेने के पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके पास भगवद्गीता ये बुक होगी। तो हमने भगवद्गीता एज इट इज जो है, श्रील प्रभुपाद ने जो बुक लिखा है, इस कमेंट्री किया है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का श्लोक है, पहला श्लोक से हम रीडिंग करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया परीक्षामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुने सर्वे परासिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये भगवद्गीता जो है, बोला जाता है कि ये इसमें गुह्य ज्ञान दिया गया, सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है और गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्यों है? गुह्य ज्ञान इसलिए है कि आपके पास भगवद्गीता हो सकती है, सामने पढ़ी, आपने पढ़ी भी हो, लेकिन जब तक किसी ऐसे भक्त के माध्यम से आप सुने नहीं, आप जब तक आपके अंदर विनम्रता और सिंसियरिटी नहीं होगी, तब तक ये ज्ञान आपको रिवील नहीं होता, आपको प्रकट नहीं होता आपके सामने। मान बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता ज्ञान जो है, वहां स्वयं आपके हृदय प्रकाशित करते हैं, और जब ये ज्ञान हमारे हृदय प्रकाशित होता है तब हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और सिद्धि क्या है? सिद्धि मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान की कृपा प्राप्त करना। तो हम इस पर चर्चा करेंगे आगे से। जैसे 14.2 में बताते हैं भगवान इस सिद्धि के बारे में क्या है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधम आगता सर्गे अपि नोपजानते फले न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार स्थित होकर जाने पर न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो यहाँ स्वभाव का अर्थ जो समझते हैं, ये देखा जाए, जैसे आपने अब तक सुना भी हो इस गीता सारम में, कि आत्मा जो है भगवान के साथ क्या है, गुणात्मक दृष्टि से सेम है, गुणात्मक दृष्टि सेम है। क्वांटिटी मात्रा दृष्टि से देखा जाए तो हम एक अणु के समान है और भगवान विभू हैं, बड़े हैं, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से आत्मा और भगवान जो है सेम है। कैसे? आत्मा जो है वो भी क्या है, सत चित और आनंद से मिलकर बना होता है, और भगवान का जो जो शाश्वत शरीर है वो भी क्या है, सत चित आनंद से मिला होता है। जैसे समझिए एक समुद्र का पानी है और उसके एक बूंद है, तो बूंद का गुण और समुद्र के पानी का गुण दोनों सेम है, लेकिन हम यदि मात्रा देखा जाए तो समुद्र का पानी एक छोटा सा बूंद हुआ और एक विशाल समुद्र हुआ। इसी तरह से जब यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, दिव्य सेवा में स्थिर होते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, भगवान के समान सेम गुणात्मक गुणात्मक समता प्राप्त कर लेते हैं। और इससे सिद्धि क्या है, इससे सिद्धि यह है कि हम जन्म मरण की मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो यही सिद्धि काफी सारे योगियों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने प्राप्त की है इसको फॉलो करके। तो इसके पश्चात भगवान बताते हैं कि मैं इसी को बताते हैं कि मैं इस संसार का बीज देने वाले पिता हूं। मैं सब कुछ इस संसार में जितना भी कुछ निकला है, चल अचल भौतिक दिव्य, सब भगवान के शेर से आया है। भगवान भगवत इस चैप्टर के तीसरे या चौथे श्लोक में बताते हैं, बोलते हैं भगवान कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत हूँ मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ और समस्त जीवों को जन्म समर्पता है। कुंती पुत्र, यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज पड़ता हूँ। तो ये बात समझनी मतलब काफी आवश्यक है कि भगवान कैसे हम सबके बीज पिता है। हमें कभी हमें डाउट्स होता है कि हम सोचते हैं कि हम यदि हम साइंटिस्टों की हम बातों पर जाते हैं तो हमें लगता है कि किसी हम बंदर की या किसी की संतान है, लेकिन यहाँ शास्त्र भगवान से स्वयं कह रहे हैं कि मैं सभी का बीज पिता हूँ। तो इसे एग्जाम्पल दिखा, भगवान से ही, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी फिर सभी तरह के जीवों को उत्पन्न करते हैं, संसार बनाते हैं, इस तरह से चलता है। तो इसके पास पश्चाते हैं कि जब तीनों गुणों की बात आती है, ये तीन गुण क्या हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये हमें बंधन में कैसे बांधते हैं। जब हम गुणों की बात करते हैं, गुणों का एक अर्थ ही होता है रस्सी। जैसे गुणों का और धर्म स्थान क्या है, गुण क्या करते हैं, बांधते हैं, गुणों का धर्म स्थान रस्सी। भगवान जो है ये गुण भगवान से आ रहे हैं, लेकिन ये गुण भगवान को बांधते नहीं है। हमको अभी सोचे कि इस संसार में हम तो दिखते नहीं हैं, हम कहीं बंधे हुए हैं यहाँ पे, हम तो दिखते नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे कोई जेल में होता है, उसकी जेल में भेड़ियाँ होती हैं उसको बांध रखने के लिए, ऐसे ही भगवान ने क्या है, तीन गुण नए हैं। जो जीव इस जगत में एक भौतिक इच्छा की मान की भौतिक भोग की इच्छा से आया है, तो उसको बांधने के लिए भगवान ने तीन गुण बनाए गए हैं, और तीन गुण जो है अलग अलग तरीके से हमको बांधते हैं। यदि हम समझना हो कि कैसे ये हमको बांध रहे हैं, तो हम इस तरह समझाते हैं इसको कि कैसे, जैसे कि एक जो घर में चूहा पकड़ना होता है, तो क्या करते हैं हम, कोई चूहेदानी होता है या कोई नारियल होता है, उसको हम लगा लटका देते हैं, उसमें चूहेदानी में रोटी टांग दिया हमने, तो चूहा आता है उसमें रोटी खाने के लिए आता है, और उसमें रोटी खाने चक्कर में घुसता है और उसमें फंस जाता है। सेम उसी तरीके से जब जीव भगवान से अलग होकर भौतिक इच्छा से इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के लिए आना चाहता है, स्वामित्व की भावना से यहाँ आना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, इन उसको भौतिक भोग देते हैं, और भौतिक भोग के लिए जैसे आकर्षित होता है तो तीनों गुण उसको बांध देते हैं, तीनों गुण को बांध देते हैं। तो गुण को रस्सी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बंधन होता है, किसी न किसी को बांधने के लिए होता है। पर ये बंधन कैसा होता है, जैसे अभी देखें कि ये बंधन हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी हमारे संबंध हैं, ये बंधन के कारण है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका पहला संबंध माँ से होता है, केवल वो माँ को संबंध जानता है, माँ से प्रेम करता है। फिर थोड़ा बुद्धि होता है तो कहते नहीं मेरे पिता भी है, मेरे भाई भी है, मेरी बहन है। बड़ा होता है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं। तो ये जो संबंध बना, ये क्या है, एक तरह बंधन है, आसक्ति है।
जैसे हम कोई ट्रेवल कर रहे होते हैं, हमारा सामान रखा है ऊपर, बर्थ में रखा हुआ है, जब तक कोई नहीं आया तो हम आराम से खिड़की में देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन उन सामान पर अटका हुआ है। लेकिन जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो हम वो लैपटॉप वगैरह खुद उठा लेते हैं। ये क्या बंधन है? तो ये बंधन जो है, ये जो बंधन हमको बांध रखता है, ये बंधन डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। तो बंधन के बारे में बताया गया यहाँ पे, कौन कौन से हैं, तीन गुणों वाले बंधन है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सतोगुण का बंधन कैसा होता है, ये इसके बारे में बताया 14.6 में। तो 5 में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त है, भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो भी जीव इन गुणों के संपर्क में आता है तो उनको ये इनमें बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि तत्रम सत्वम निर्मलपम प्रकाशम कमनामयम सुख संगीन बंधांति ज्ञान संगीन चानगा। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख और ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो यदि हम तीनों गुणों को कंपेयर करें तो सबसे उच्च कोटि में सतोगुण आता है, इस कोटि में सतोगुण आता है। लेकिन और सतोगुण कैसे इफेक्ट करता है, सतोगुण क्या करता है, हमारे जो इसके हम इन सभी गुणों के लक्षणों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। और एक चीज नोट करिए, इसमें जितनी भी बातें बताई जा रही हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, उसको हमें अपने ऊपर लेना है। ऐसा नहीं है कि यदि हम समझ गए कि ये सतोगुण की लक्षण है, तमोगुण के रजोगुण की लक्षण है, तो हम जो भी कुछ सामने वाला व्यक्ति आया हम उसकी तुलना करें, तुम सतोगुण में हो नहीं, तुम रजोगुण में हो, आप तमोगुण में हो, आप ऐसे व्यवहार ना करो। भगवान भगवद गीता में जो सिखा रहे हैं वो हमें स्वयं पर लागू करने के लिए है, ना कि दूसरों पर लागू करने के लिए। क्योंकि जब हम स्वयं पर लागू करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो हम भक्त बनेंगे। यदि हम इसको दूसरों पर लागू करने बैठे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो जब यहाँ बताया गया कि सतोगुण के लक्षण बताए गए हैं, सतोगुण में व्यक्ति जो होता है काफी सुखी होता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है, वो कर्मठ होता है। और जो रजोगुण वाले होते हैं थोड़े बहुत मेहनती होते हैं, फिर तमोगुण वाले असहाय होते हैं। इस श्रीमद् भगवत इसके प्रपट में बोलते हैं कि सतोगुण वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर कई सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी गुण विकसित हो चुके होते हैं। वो दूसरों की तुलना में अधिक चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, वो अच्छे से कार्य कर सकता है, मन को कंट्रोल कर सकता है। और सतोगुण वाला व्यक्ति मोस्टली जो है भक्ति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सतोगुण जो काफी सहायक होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो उसको सुख ज्ञान। लेकिन जैसे कि हर एक चीज का कोई पॉजिटिव होता है और कुछ उसका नेगेटिव होता है, कोई उसका कहीं ना कोई उसका लैकिंग भी करता है, छूट रहा होता है। तो सतोगुण में भले ही अनेक अच्छे गुण हैं, लेकिन इसमें क्या मेन ध्यान रखता है, वो है कि वो कई बार सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है, और वो सोचता है कि अपने आप को कभी श्रेष्ठ समझने लगता है, जिस वजह से वो सतोगुण से उतर के रजोगुण या तमोगुण में भी जा सकता है। देखो रजोगुण के द्वारा बंधन बताए गए भगवान कृष्ण बोलते हैं 14.7 में, रजोरागात्मक विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबद्धांति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण वह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। मतलब जब यदि हम रजोगुण के अंदर प्रभाव में हैं तो हम अंदर काफी सारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी, हमें बहुत कुछ हम सोचेंगे, हमें ये भी हासिल करना है, ये भी हासिल करना है। वो कुछ ना कुछ भौतिक भोग के लिए ललायत रहता है, इंद्र तृप्ति के लिए ललायत रहता है, कि मुझे वो सोचता है कि मैं ये हासिल कर लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं ये प्राप्त हो जाएगा तो बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे ये सिचुएशन चाहिए, मुझे इतना धन कमाना है, मुझे भोग इच्छा करना है। और जिसके कारण वो हमेशा चिंतित रहता है, कष्ट में रहता है, बन जाता है। वो स्त्री पुत्र समाज इनको प्रसन्न करने के लिए, झूठी प्रतिष्ठा के लिए वो कहते हैं कि चूहे की तरह, गधों की तरह काम करता है। तो इसके पश्चात बताते हैं तमोगुण का बंधन, हम बोलते हैं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्रा भी अस्ति निबधन्ति भारत। बोलते भगवान, हे भरतपुत्र, तुम जान लो
कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस ज्ञान के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह बांध रहे हैं हमारे यहाँ पे इसमें तमोगुण में। तमोगुण जो है हमें आलस्य, पागलपन, पागलपन का अर्थ है किससे समझे, पागलपन का अर्थ यह है कि व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि वह कौन है, वो प्रगति के बजाय ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गिर रहा होता है। यदि हम किसी को बोले कि उसको हम जैसे मुझे बोले कि मेरा नाम ऋषिकर्मन है ना, मैं बोले नहीं मैं कुछ और हूँ, एक्स वाई जेड नाम लेने लगता हूँ मैं, तो लोग मुझे पागल कहेंगे। इसी तरह से तमोगुण के अधीन व्यक्ति जो है वो अपने आप को आइडेंटिटी नहीं समझता है, वो भोग के अंदर, आलस के अंदर, नींद में रहता है और वो जितना सक्रिय नहीं होता। उसे 10-12 घंटे सोते हैं, ऐसे जानते हैं कई लोगों को, वो रात के 2 बजे सोएंगे, दिन में 12 बजे उठते हैं। तो ये आलस्य का प्रतीक है ये। और इस तरह तमोगुण के व्यक्ति, तमोगुण जो है व्यक्ति को बांध के रखता है। तो अगला पार्ट होता है इसका कि 14.9 से 14.10 में, ये इनके बांधने से क्या होता है, सत्व, इन तीनों गुणों के बांधने से व्यक्ति को क्या फल मिलता है। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमृत्युतम प्रमादे संजयते। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक्कर से पागलपन से बांधता है। तो देखा जाता है तीनों भले ही क्वालिटी के हिसाब से समझ सबसे बुरा है, रजस मीडियम वाला हुआ, सत्व अच्छा हुआ, सत्व में हमको सुख मिल रहा है, लेकिन इन दी एंड सब हमको बांध के रख रहे हैं, कोई हमको इसे छुटकारा नहीं दिला रहा है। और जब तक हम इस भौतिक जगत में बने हुए हैं हम इस जगत से बाहर नहीं जा सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते। ये समझना इम्पोर्टेंट है और हमें इस अध्याय में समझना है कि किस तरह हम इन बंधनों को काट के भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इन बंधनों के अंदर हैं हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में लगा रहेगा, 84 लाख योनियों में हमें फंसा रहना पड़ सकता है। जैसे श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य बताते हैं क्योंकि सतोगुण सतोगुण व्यक्ति सुख में बन जाता है तो वो उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, वो सोचता है कि मैं अब सुख से संतुष्ट हूँ मैं। जैसे कैसा दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, वो अपने अपने स्टडीज में बिजी हैं, सेटिस्फाइड, संतुष्ट हैं। और जो रजोगुण वाला व्यक्ति है वो सकाम कर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में वो बिजी रहते हैं और उसके आगे सोचता नहीं है। तमोगुण वाला व्यक्ति जो करता है वह न किसी के लिए हितकर है, न किसी अपने लिए अच्छा करता है, न दूसरों के लिए खोलता है। तो इसके पश्चात आप बताते हैं शिल प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण जी गीता में कि सतोगुण और इन तीनों गुणों के बीच में क्या है कि हमेशा कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के अंदर पूरा सतोगुण भरा हुआ है, एक व्यक्ति के अंदर रजोगुण भरा हुआ है या तमोगुण भरा हुआ है। ये तीनों गुण हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग अनुपात में होते हैं और ये तीनों गुण क्या करते हैं कि स्थिति के अनुसार इसको कभी सतोगुण ऊपर जाता है, कभी रजोगुण जाता है, कभी तमोगुण जाता है, इनका प्रभाव अलग अलग होता है। और ये एक बात और समझने वाली है कि ये तीनों गुण हमारे अंदर आए क्यों, जब हम जब जीव इच्छा करता है तो उसके पश्चात भगवान प्रकृति जो है उसको ये तीनों गुणों उसके इच्छा का अनुरूप प्रदान करती है। इसका अर्थ हुआ कि हमने ऐसी इच्छा करी है इसलिए हुआ है। तो हमें समझना है कि हमारे अंदर प्रधान गुण क्या है। तो क्या होता है कैसे हमारे अंदर कभी अच्छी आदतें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, उच्च और निम्न प्रकृति के बीच युद्ध का सामना किया है हमने, हमारे अंदर हमने फील किया ना कई बार कि कभी कभी हमारे अंदर चलो आज मंदिर जाने का मन करता है तो ये क्या हुआ, मैं सत्वगुण हमारे अंदर प्रधान हो गया। या फिर बोलते नहीं आज आज गीता सार क्लास है लेकिन मैं रात को लेट सोया टीवी देख के, तो रात आज की क्लास मिस कर देते हैं, सो जाते हैं, तो ये हो गया मतलब हमारा तमोगुण आ गया हमारे अंदर। या फिर कभी हुआ कि चलो देखिए अभी उठ के क्लास क्या करना है, थोड़ा सा हम चैटिंग कर लेते हैं, कभी बिजनेस की बातें कर लेते हैं, तो मतलब रजोगुण उसमें बढ़ गया हमारा। तो ये गुण जो है तीनों के बीच में हमेशा स्पर्धा चलती रहती है कि कभी कोई अच्छा गुण आगे आएगा, कोई सतोगुण आगे आएगा, कभी रजोगुण आगे आएगा, कभी तमोगुण आगे आएगा। हमें क्या चाहिए कि सतोगुण को कम से कम हमें जीव को एटलीस्ट सतोगुण के स्तर पर होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके अंदर स्पर्धा चल रही है 14.10 में। रजस्तम अभिभूय सत्वम भवति भारत रजसत्वम तमश्चैवम तमासत्वम रजस्तथा
इस स्पर्धा में व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार एक गुण दूसरे गुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो जैसे मैं मानसिकता होगी उसके अनुसार कोई गुण आगे बढ़ेगा कभी नीचे आएगा। कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर इनमें कंपटीशन स्पर्धा चलती रहती है। या देख रहे हैं कि किस तरह से हम पहचान करेंगे, जब सतोगुण में वृद्धि होती है, सर्व सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या वेदम सनम उत्तते। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हम कैसे चले अब तक सतोगुण में है, हमारे अंदर काफी ज्ञान रहेगा, हम नॉलेजेबल हैं, और जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं प्रमाणिक स्रोत से तो हम क्या होता है स्वाभाविक हम सतोगुण में विकसित हो जाते हैं। और बोलते हैं रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण का कैसे वृद्धि होती है हमारी, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा वशम स्प्रहा अजस्त्यानि जायन्ते विवृते वर्तशभा। हे भयंत्वशुन प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा व लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सिम्टम है कि अब कि हमारे अंदर कब रजोगुण बढ़ रहा है, जब हमें ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे अभी और पैसा कमाना है, मुझे लगता है नहीं मुझे नाम फैलाना है, अपना अपना प्रचार करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, जो इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जो उबाल मार रही होती है तो समझिए में हम रजोगुण में फंसे हुए हैं, लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है। और तमोगुण में का धारण कर दिया गया यहाँ पे, अप्रकाशो अपवृतिश्चा प्रमादो मोह एवच तमस्यतानि जायन्ते विवृति कुरुनन्दना। बोलते हैं जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा जड़ता प्रमत्ता तथा मोह का प्रकट होता है। तो कहते हैं जहां ज्ञान नहीं होता वहां पे क्या होता है, जहां पे प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान नहीं होता। तमोगुण व्यक्ति वो सोचता है कि मैं किसी से बंधकर नहीं रहना, मुझे मैं जो करना चाहता हूँ फ्री करना चाहता हूँ। तो जब वो कहता है जब फ्री सोचता है कि मैं किसी से बंधन नहीं रहूं फ्री हो काम करूं, तो क्या होता है कि अपने सनक के अनुसार वो कार्य करता है। वो सोचता है कि मैं सबसे उच्च हो गया, मैं मुझे किसी से मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो वास्तव में वो तमोगुण के अधीन है, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहता, वो मोह में फंसा रहता है, उसकी चेतना जो है गिरी रहती है। ये सब क्या तमोगुण के लक्षण है। तो अब समझेंगे कि जब इन गुणों के प्रभाव से हमने समझा कि कैसे कैसे आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, इनमें स्पर्धा हो रही है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को कम से कम सतोगुण के स्तर पर तो लेके आए, क्योंकि यदि व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में है वो भक्ति नहीं कर सकता, भगवान की सेवा नहीं कर सकता, और एटलीस्ट वो किसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि तमोगुण में तो वो बिल्कुल गिरा हुआ है, रजोगुण में उसके अंदर स्वार्थ की भावना है, बाहरी दृष्टि से लगेगा कि वो समाज के लिए देश के लिए परिवार के लिए वो कुछ कर रहा है, पर सटल अंदरूनी दृष्टि से वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्वार्थ की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा होता है। और ये हम चाहते हैं अपने परिवार देश समाज या अपने आप की भलाई के लिए तो कम से कम सत्वगुण के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण स्तर पर हम चीजों को एज इज देख पाएंगे वास्तव में क्या हो रहा है। हमें इन श्लोक को फिर से समझाया गया है यहाँ पे, सतोगुण के व्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। रजोगुण में आने के पश्चात कैसे आदमी लालच रहता है इसमें, बिल्कुल सकाम कर्म गहन उद्यम के प्रति मेहनती होता है, अनियंत्रित इच्छा होती है, ये सिम्टम लक्षण बताए गए हैं तमोगुण के रजोगुण के। और तमोगुण में जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत ही निराश रहता है, असहाय होता है, उसे पता नहीं उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज रहता है बहुत ज्यादा, ये लक्षण है तमोगुण के। तो अब इनके बाद बताया गया है 14.14.15 में अगले श्लोकों में ये जो यदि व्यक्ति इन गुणों में फंसा रहता है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो उसका लक्ष्य क्या है, उसको मिलेगा क्या, वो कहाँ पहुंचेगा, तो उसको डेस्टिनेशन क्या है ये जानते हैं इसके बारे में। मृत्यु के पश्चात सतोगुण वाले व्यक्ति कहाँ मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है, रजोगुण में व्यक्ति मरता है तो उसकी गति क्या होती है, और तमोगुण में यदि कोई सही त्यागता है उसकी गति क्या होती है। तो हम बोलते हैं भगवत के श्लोक संख्या 14 में,
यदा सत्वे प्रविद्ये तु प्रलयं जाति देवे तदो आत्मविदा लोकनमलान प्रतिपद्यते। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। उच्च ग्रहों का अर्थ होता है कि मतलब देवता लोग ब्रह्म लोक तक जा सकता है, वहां जाके वो सुख समृद्धि मतलब देवी सुख भोगता है। पर यह समझना चाहिए कि यदि कोई जीव अच्छे कर्म करके पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग भी गया या ब्रह्म लोक तक भी गया, लेकिन उसके पश्चात भी उसको फिर से जब उसका पुण्य कर्म छीन हो जाते हैं, इसे पढ़ा हमने पहले भी, पुण्य कर्म छीन होते ही पुनः मृत्यु लोक में जाता है। तो यहाँ अल्टीमेट डेस्टिनेशन तय किया सतोगुण का कि वो मैक्स टू मैक्स चला गया ऊंचे ग्रहों में स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक तक गया, लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसके पुण्य छीन हुए तो फिर से जन्म लेना पड़ता है उसको। अब बताते हैं रजोगुण में मरता है तो क्या होता है। रजोगुण का बताया गया यहाँ पे बोलते हैं रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्रलीन नस्तांसी मूढ़ योनसि जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो यदि कोई रजोगुणी व्यक्ति है, उसने शरीर त्यागा तो उसके इच्छाएं हैं अंदर, भोग करने की इच्छाएं हैं, धन की इच्छाएं हैं, नाम की प्रतिष्ठा की इच्छाएं हैं, तो उसका जन्म क्या होता है, इसी पृथ्वी पर होता है, मनुष्य रूप में होगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य में ही हो, तमोगुण में तो वो मनुष्य का भी नहीं मिलता, उसको पशु का योनि मिल जाता है। तो इसलिए इतना खतरनाक है यदि हम रजोगुण और तमोगुण में मरते हैं। एटलीस्ट सतोगुण में यदि हम रहते हैं तो हमको इसके ज्ञान तो होता है कि हमें क्या करना है। बताते हैं यहाँ पे इनका एक रिजल्ट के बारे में कि जब इन तीनों गुणों के अंदर होते हैं तो हमें क्या प्रभाव मिलता है, क्या हमें प्राप्ति होती है। बताते हैं 16 श्लोक में, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम अतमसह फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक लगता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। देखिए अब ये हमें अपने आप मनन करना है कि हम किस तरह कर्म करने चाहिए। यदि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो हमें शुद्ध मिलता है। जनरली अब तो सुनते आए हैं हम कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पुण्य अच्छा होता है। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ये समझ रहे हैं, समझेंगे हम कि पुण्य जितना खतरनाक पाप है उतने खतरनाक पुण्य भी हो सकता है, क्योंकि पाप हमें बांधता है। पाप करने से हम पाप का फल भोगने के लिए इस धरती पर जन्म लेना होता है हमको, या दूसरे योनि में जन्म लेना होता है। लेकिन जब पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल ही भोगने के लिए हमें इस धरती पर पृथ्वी पर जन्म लेना होता है, और जब पुण्य करने के लिए जन्म लेते हैं भोग करते हैं फिर हमें जाने अनजाने पाप भी होते हैं, और इस तरह हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक लगता है, रजोगुण में जो कर्म किए हैं उसे दुख मिलता है क्योंकि हम पाप कर रहे होते हैं। थोड़ा सा यार कमी हो गया है शोभा ने, कम नहीं होता, बेवकूफी कहलाता है, मूर्खता, और जिसके हम फंसे रहते हैं, हम कुछ प्रगति नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। तो 17 बताया जाता है कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब ये ज्ञान का स्तर बताया जा रहा है, कैसे हमें ज्ञान मिल रहा है, कैसे आगे प्रगति कर रहे हैं। सत्वास संचायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान प्रमाद मोह उत्पन्न होता है। तो ये हमें कंटेम्पलेट करना है, मनन करना है कि हमें किस तरह के किस कैटेगरी में आना है, अपने आप ले करना है। सत्वगुण में है तो हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है, रजोगुण से लालच मिल रहा है, लालच मिलता है हम फंसे रहते हैं, और तमोगुण से हम अज्ञान में जा रहे हैं, मुंह में आ रहे हैं, पागलपन हो रहा है हमारे अंदर। ये डेस्टिनेशन बताया गया है, इसको हम और डिटेल पढ़ेंगे 14.18 को। ऊर्धव गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुणवतिस्थ अधो गच्छन्ति तामस। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। देखिए अब हमने पढ़ते सुना हमने पिछले श्लोक में कि कैसे जो उनकी डेस्टिनेशन जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण वालों की, सतोगुण वाले व्यक्ति गए ऊपर लोक तक गए, इवन ब्रह्म लोक तक चले जाते हैं, सत्य लोक तक किसे कहते हैं, जो ब्रह्मा जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, और जो जहां तक जाना बहुत ही कठिन है, और रजोगुण वाले व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में रहते हैं ताकि उनको फिर से जन्म मिलता है, कोई
मनुष्य का जन्म या किसी सकाम कर्मी के घर में जन्म मिलता है जहाँ पे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके, और तमोगुण वाले व्यक्ति नीचे के नरक लोक में जाते हैं। तो इसको हमें यदि हमें पता हो तो आप जैसे आप चल के पता हमको ये सब, तो आगे से हम अपने कर्म को इस तरह लेकर आना करना है हमें कि हम एटलीस्ट सतोगुण के स्तर पड़े हैं, और सतो हमें प्रयास करना है कि सतोगुण से ऊपर बढ़ें। जैसे आगे अभी अर्जुन क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरह हम इन बंधनों को काट सकते हैं, और जो व्यक्ति इन बंधनों को काटता है उसके लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है, कैसे व्यवहार करता है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं अगले श्लोक में, देखिए बताया गया ये इस संसार का ब्रह्मांड का जो है चित्रण किया हुआ है यहाँ पे, कि ये आपको मिलेगा समय भागवतम में ब्रह्मा जी ने इसका एक्सप्लेन किया है। कहते हैं कि 14 लोक हैं, पाताल, असाताल, महाताल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, फिर बीच में भूलोक पृथ्वी लोक कहते हैं, और इसके ऊपर 7 लोक हैं, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। तो 14 लोक जो है भौतिक जगत में इसका सबसे टॉप मोस्ट लोक है सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति अपने पुण्य कर्म के द्वारा, सकाम कर्म के द्वारा मैक्स टू मैक्स सत्यलोक को जा सकता है, ब्रह्मा जी के लोक जा सकता है, जहाँ पे आयु बहुत अधिक होती है। और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो भूलोक तक रह जाता है, और तमोगुणी व्यक्ति जो ये नीचे के जो 6 लोक हैं, नरक लोक कहते हैं कई बार, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सतल, पताल, इनमें इसको निवास करना पड़ता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो इन सभी भौतिक लोकों से निकल के सीधे भगवत धाम ले सकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकता है। यहाँ पे बताते हैं भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं किसी की। भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों का अन्य कोई करता नहीं, जब है परमेश्वर को जान लेता है, तो इन तीन गुणों के जो इन तीन गुणों के परे है जीव करता नहीं है, जीव अकर्तु है। ये गुण जो है प्रकृति के तीन गुण, चित्र में देख रहे हैं ये तीन जो सिंबल लिख रहे हैं क्या है, ये प्रकृति तीन गुणों के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर एक व्यक्ति इन एक सेकंड हरे कृष्ण। तो इस प्रकृति में, इस संसार में हर एक जीव जो है इन तीनों गुणों के अंदर प्रभावित है, और जीव वास्तव में कुछ करता नहीं है, जीव अकर्तु है, लेकिन जो भी कार्य क्या हो रहा है इन प्रकृति के तीनों गुणों के कंट्रोल में काम कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कोई जब हम दुकान पर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो हमने एक पर्ची में लिस्ट बना के दे दिया भाई दुकानदार को, भाई ये सामान हमें ला के दीजिए। तो हम वहाँ बैठे हुए हैं और दुकानदार जो है उसका लड़का जाके सब कोने में से रैक में से सामान निकाल करके दे रहा है। तो वास्तव में हम खुद जाएं तो हम नहीं निकाल सकते, हमें पता नहीं कौन आइटम कहाँ रखा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति जो वहाँ दुकानदार है वो निकाल के दे रहा है। तो हम एक तरह देखा जाए तो वो व्यक्ति जो है वहाँ बैठा कुछ नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है, भुगतान करवा रहे हैं। उसी तरह से जो जीव जो है जो कुछ कार्य करता है परमात्मा उसको देखते हैं। भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान क्या है इन गुणों से बनते नहीं, इन गुणों से ऊपर है। तो जीव जो भी कार्य करता है परमात्मा उसकी गवाही देते हैं, और दुर्गा देवी जो है वो करवा रही होती है। दुर्गा देवी को जो तीन त्रिशूल, तीन जो नौ होते हैं, एक भजन कर रहे हैं ये तीनों गुणों के प्रभाव से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके थ्रू काम करवाती है, और तीन तरह के वो ताप देती है, तीन तरह के कष्ट देती है यदि हम इस तरह फंसे होते हैं। तो शिल्पा को इस पर्पट में बता रहे हैं हमको कि किस तरह से हमें सीखना है कि हम सभी चीज़ों को किस तरह से तरीके से करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ हमें शुद्ध भक्ति के अनुसार में कार्य करना चाहिए, और हमें एक विनम्र सिंसियर भक्त होना चाहिए, सेवा करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, बिना किसी स्वार्थ की भावना के। और जब इस तरह कार्य करेंगे हम, तभी हम अपने इस भौतिक जगत के चक्र छोड़ के भगवत धाम जा सकते हैं। इसके आगे श्लोक बताते हैं कि 14.20 में गुणान गुणानेता नित्या तीदेन्द्रिय स्मृत भवान
जन्म मृत्यु जरादु दुखे विमुक्त अमृत निश्चित। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और अन्य के कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देखिए ये हमको अचीव करना है, ये हमको अचीव करना है। क्या है हम टारगेट हमारा कि इन गुणातीत होना, गुणातीत मतलब इन तीनों गुणों को हमें क्रॉस करना है, लांगना है। जब हम तीनों गुणों से लांगेंगे तभी हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा अनेक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और अमृत का भोग कर सकते हैं। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसके पश्चात अब अर्जुन का डाउट हो रहा है कि अर्जुन पूछ रहा है कि केली केली स्मित तिने गुणाने ता तीत। अर्जुन उवाच केलिंगे तिना गुणान एता अतीत भवति प्रभु किम आचरा कथा चेता एतान तीन गुणान अभितर्तते। अर्जुन क्वेश्चन करता है भगवान कृष्ण से कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो हमने भगवान ने इतना कुछ बताया कि इन गुणों के बारे में और ये बताया कि जो गुणों को क्रॉस कर जाएगा तो उसको क्या फल मिलने वाला है। तो अब क्वेश्चन है कि समझे कैसे कि ऐसा व्यक्ति जिसने इन गुणों को क्रॉस कर चुका है उसके लक्षण क्या है, कैसा दिखता है, उस कैसा व्यवहार करता है और वो किस तरह क्रॉस कर सकता है। तो भगवान कृष्ण इसका आंसर अगले श्लोक में देते हैं, ये 22 से लेके 26 तक वाले श्लोक में। तो यहाँ पे जैसे कोई बीमारी होती है, जैसे जब कोई बीमारी सूक्ष्म होती है तो हमें रोग और स्वास्थ्य के लक्षणों को पहचानने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। कोई सिम्टम जैसे भी कोरोना चल रहा है तो कैसे चले बताइए, ये किसी को बुखार है या खांसी जुकाम है, ये कोरोना का कारण है कि या फिर कोई नॉर्मल फ्लू है। तो उसके लक्षणों के आधार पर हम जानते हैं, पहले पहला स्तर होता है लक्षणों के आधार पर, फिर उसके स्तर होता है उसके बारे में कुछ ज्ञान हो हमें। जब ज्ञान होगा लक्षण पता होगा तब ही हम जान पाएंगे कि कैसी बीमारी है। तो इसलिए अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया है श्लोक में कि किन लक्षणों से वह जाना जाता है के लिंगम, तो इसका श्लोक का आंसर 14.22 में दिया, 22 में दिया गया है। और फिर पूछता है व्यवहार कैसा है किम आचार, तो इसका भी 23-24 में श्लोक में दिया गया है। और गुणों से प्रजनन की विधि, मतलब किस तरह इस जो प्रकृति के तीन गुणों को ट्रांसेंड कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, इसका 26 श्लोक में आंसर दिया गया है। तो हम एक एक करके समझेंगे इसको हम। तो कृष्ण के द्वारा पूछे गए गुणातीत के विषय में भगवान ने जो आंसर दिए इसके बारे में इस तरह उत्तर देते हैं। तो जो श्लोक संख्या है 22, प्रकाशम च पवित्रम च मोहमेव च पांडवा न समर्पितानि न निवृतानि कांक्षति। तो हम बोलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर में कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और न लुप्त जाने पर उनकी इच्छा करता है, तो समझिए ये उसका सिम्टम हुआ, पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ कि वो क्या, उसके लक्षण क्या है। वो सुख दुख में अटैच नहीं है, मोह में अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, किसी ना उसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है और कुछ खो जाए ना वो दुख होता है, तो वो इस स्तर पर होता है, ना सोचते ना कांक्षती। तो इस तरह भगवान ने उसके अर्जुन के पहले प्रश्न को उत्तर दिया। तो और दूसरा प्रश्न था कि उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, तो उसके बारे में बाहरी आचरण के बारे में बताते हैं इसी श्लोक में। उदासीन न उदासीन गुण न विचालते गुना वर्तन्ते इत्येवं यो अति वैतिष्ठि नियमिता समादुखा सुखा स्वस्था समलोष्टा समकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदा मुतुत्री मान अपमान युस्तुल्य तुल्य मित्र प्रेक्षयो सवर्णं विपरित्यागी गुणातीत च उच्यते। बोलते हैं कि इन भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अवचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो इसके एक्सटर्नल सिम्टम भी बताए गए, बाहरी आचरण जो क्या क्या करता है, व्यवहार कैसा है, वो मिट्टी के ढेले पत्थर सोने को समान दृष्टि से देखता है। एक मिनट,
तो अब तीसरे प्रश्न का जो आंसर दे रहे होते हैं गीता में, किस तरह व्यक्ति जो है ये जो गुणातीत कैसे हो सकता है, गुणातीत के बारे में 26वें श्लोक में आंसर देते हैं, माम चे यो अभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणात्मा समित्या न ब्रह्म भूया न कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे भगवान क्या हमें करने का बता रहे हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं देखो हमने श्लोक का पहले आंसर बताया, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था ये पढ़ लिया हमने। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में, मतलब किसी भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, सुख दुख, गर्मी बरसात, चाहे हमें कष्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हर परिस्थिति में जब हम अविचल बिना डिस्टर्ब हुए हम क्या कर रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो वो क्या कर सकता है, इस प्रकृति गुणों को लांग सकता है, ट्रांसेंड कर सकता है और ब्रह्म स्तर पे, ब्रह्म स्तर का अर्थ क्या हुआ, भगवान के पास जा सकता है, भगवान को प्राप्त करने की है ना, एक ब्रह्म स्तर होता है परमात्मा और स्वयं भगवान, तो हम ब्रह्म स्तर तक पहुंच सकते हैं। शिल प्रभा जी बड़े वंडरफुली इसके तात्पर्य बोलते हैं कि प्रश्न यह है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। ये देखिए यदि आप सबका बुक हो तो ये 26वां श्लोक का तात्पर्य अवश्य पढ़िए, बहुत अच्छे तरह से शिल प्रभा जी ने समझाया है कि इसको कैसे प्राप्त, इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बोलते हैं कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। समझा हमने, जितना भी कार्य हो रहा है प्रकृति के तीन गुण कार्य करा रहे हैं हमारे अंदर। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कर्म न लगाकर उसे कृष्ण कर्म लगाए। जैसे इससे पहले समझे कि हम कि कैसे अपनी चेतना को विकसित करें, हमने पहले समझा कि कम से कम सत्वगुण बनना चाहिए, सत्वगुण पोषण देता है, रजोगुण तमोगुण गिरा रहे हैं, हम सत्वगुण से ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व कहते हैं। तो हम पहली बात हम कैसे गुण डेवलप करें, तो जैसे हमें समझाया जाता है, आचार्य ने बताया है, हर एक व्यक्ति के अंदर, इसे समझिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर दो तरह के कुत्ते हैं, एक है अच्छा कुत्ता, एक भोगता है बुरा कुत्ता, और दोनों कुत्ते क्या करते हैं, भोगते हैं। जब हमारे स्वभाव के अनुसार हम जिस कुत्ते को ज्यादा खिलाएंगे, यदि हम बैड हैबिट्स, गलत बातें, गलत सोचते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत इच्छा लेकर आते हैं, तो बैड डॉग जो है वो काफी हट्टा कट्टा हो जाएगा, और यदि हम कोई अच्छी बात समझाना चाहता भी होगा, अच्छा कार्य करना चाहते भी होंगे, तो क्या होगा, बैड डॉग जो हमारा है वो उस पर हावी हो जाता है, हम गलत कार्य की तरफ चले जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सत्वगुण आए, शुद्ध सत्वगुण आए, भक्ति गुण आए, तो हमें क्या करना होगा, जो गुड डॉग जो है, जो हमारे अंदर अच्छी आदतें लाने वाला है, उसको पोषण करना होगा। जब हम गुड डॉग को फीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैड डॉग जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये दिखाते इस तरीके से हम अपने आप अंदर सत्वगुण में वृद्धि ला सकते हैं, भक्ति में वृद्धि ला सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे जब एक चिड़ियाघर में कोई शेर आता है, जिस चिड़ियाघर में जो होता है ना, देखते हैं कि सर्कस में देखते हैं कि सर्कस मास्टर जो है, रिंग मास्टर, उस चाबुक से डर से शेर बैठता है, खड़ा होता है, एक बड़े जलती हुई रिंग में से भी छलांग मार जाता है। तो कैसे कर पाता है वो, क्योंकि उसको ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो जब शेर को जंगल से लेके आया जाता है तो उसको पहले कई दिनों तक उसको भूखा प्यासा रखते हैं, इतना भूखा प्यासा रखते हैं कि जब उससे इतना कमजोर हो जाता है कि वो अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पाता, तब रिंग मास्टर आता है और उस चाबुक से उसके सामने मांस का टुकड़ा रखता है, और वो जब शेर खाने के लिए जाता है तो उसको चाबुक से मारता है, तो इतना जब मारता है तो शेर चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, उसको मन में डर बैठता है कि यदि मैं कुछ खाने गया तो इसका चाबुक पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा। और फिर जब रिंग मास्टर इशारा करता है तो वो खाना खाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सीखता है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को संयमित कर सकते हैं, जब मन को संयमित करके अपने जो गुड डॉग जो है, अच्छी आदतें वाले जो हैं, उसको विकसित कर सकते हैं, पोषण ला सकते हैं, और हम धीरे धीरे फिर भक्ति भी कर सकते हैं। जब हम इस बात को समझेंगे, हमारा मन संयमित हो गया, हमने अपने कार्यकलापों को संयमित किया, हम अपने आप को हम रजोगुण तमोगुण से उच्च सत्वगुण स्तर पर लेकर आए, और फिर भक्तों के संग में आके भक्ति कर पा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं,
तो हम शुद्ध सत्व की स्टेज पर आ सकते हैं और इस तरह हम प्रकृति गुणों को लांग जाते हैं। फिर इस तरह क्या होगा, जब इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमें लगेगा बाहरी दृष्टि से कि हम बाकी लोगों की तरह ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, बाहरी दृष्टि से हम लगेगा कि हम सेम कार्य कर रहे हैं जो बाहर के लोग करते हैं, लेकिन ज्यों ही हमने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली है, भगवान का नाम जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हम शुद्ध सत्व स्टेज पे आ गए हैं, तो हम क्या है कि प्रकृति को हम मानेंगे नहीं, हम एक भगवान के हम दिव्य स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो हमारा ये हमारा टारगेट हमारा गोल होना चाहिए। तो प्रभा जी क्या बोल रहे हैं हमारे से इसके बारे में कि मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना से चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कर्म न लगाकर उसे कृष्ण कर्म लगाए। हमारी चेतना जो है कृष्ण कर्म लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी आते हैं, यथा राम तथा नारायण, उनके अनेक उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित बनना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। कितना सिंपल तरीका बताया गया है, भगवान की सेवा करना। आप जैसे भगवान कृष्ण करें, राम भी करें, नारायण भी करें, यदि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनकी उनका नाम जप कर रहे हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनको सेंटर के लिए मान्य करते हैं। जैसे मुझे याद है कि इवन आप अभी सर पता हो कि आज के समय भी दिल्ली वगैरह में कई सारे ऐसे व्यापारी हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने जो बिजनेस को बिजनेस पार्टनर किसको बनाया है, बांके बिहारी जी को बना रखा है। इवन कोविड सिचुएशन में भी देखा गया कि डेली पहले दिल्ली से गाड़ी में उनकी दुकानों की चाबी पहले बांके बिहारी मंदिर आता है, बांके बिहारी जी को चरणों में रखा जाता है, फिर चाबी वापस फिर जाती है उनकी दुकानों में, फिर शटर खोलते हैं। और तो उनके मंदिर में जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक प्रोपोर्शन जो है वो मंदिर में डोनेशन देते हैं। उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना रखा है कि हमारे भगवान हमारे जीवन केंद्र है, हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ही करवा रहे हैं हमको। जो ही हमें चेतना विकसित होती है हम समझिए कि हम दिव्य स्तर पर आ गए, हम भक्ति में स्टार्ट हो गए। भक्ति कोई 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 कुछ सोचे कि बहुत कठिन है, ये हमें त्याग करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सिंपल प्रोसेस है। भक्ति में करना क्या है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान ने जो हमें कुछ आदेश दिए हैं वो फॉलो करने होते हैं, जो भी हम डेली खाना खाते हैं तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाना होता है, भगवान के कीर्तन करना होता है, हम फिल्मी सॉन्ग गाते हैं, हम इसी हम भगवान के वाले गुणगान करने वाले गाना गा सकते हैं, कीर्तन भजन गा सकते हैं, इस तरह अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। और जैसे चेतना शुद्ध होती है हम तीनों गुणों से हम परे हो सकते हैं। कृष्ण भावना में या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने के खान के अंश हैं, उसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुणवाला होता है, किंतु वैश्वित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति युग का प्रश्न नहीं होता। हमें समझा सब पहले ही समझा हमने कि क्या है, गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के समान है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, हम भी क्या है, हमारा शरीर भी है सच्चित आनंद से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो भक्ति योग एकमात्र साधन है जिसके थ्रू हम भगवान नाम ले सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इन तीनों गुणों से हम परिचित हो सकते हैं। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है और भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है। तो भक्ति योग मतलब भक्त और भगवान की सेवा करना, भगवान भक्त और भगवान के संबंध। सबसे बड़ी बात है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। हर एक व्यक्ति हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा धर्म क्या, हम सोचते हैं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वास्तव में रियल धर्म क्या है, हमारा धर्म जो है भगवान की सेवा करना। हर एक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है, किसी न किसी सेवा करता है, कुछ नहीं मिलेगा तो एक पेट ले आएगा। हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर लोग सुबह से 4 बजे उठ के या दिन भर कोई कुत्ता को गले में पट्टा बांध के घुमाते रहते हैं, कुछ नहीं मिले तो कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। तो रियल धर्म क्या है, सेवा करना। हम किसकी सेवा करना है, हमें ऐसी सेवा करना है
जिससे हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, इन तीनों गुणों से हम बाहर निकल जाए, तो वह भगवान की सेवा करना। और इस तरह हमारा ये भक्ति योग हमारा स्टार्ट होता है। और भगवान लास्ट में बोलते हैं, लास्ट श्लोक में बोलते हैं, ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम अमृत स्यावे अस्त च शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक च। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। बताते हैं कि जो ब्रह्म जो कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म है। कृष्ण कहते हैं कि वो सभी के स्रोत हैं, सभी के बीज देने वाले पिता हैं। और कृष्ण ने बताया कि भक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और परंतु कहते हैं, परंतु भक्त जो है भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान के कहते हैं भक्त की सेवा चाहते हैं, और इस तरह ब्रह्म की साक्षात उनको प्राप्त हो सकती है। अतः कृष्ण भगवान के ब्रह्म के साथ उनके संबंध बताते हुए भक्ति पर जोर दे रहे हैं। तो ये लक्ष्य बताया गया है, भगवान बोलते हैं कि क्या डेस्टिनेशन मिल सकता है हम यदि हम भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, और किस अविचल भाव से भक्ति कर सकते हैं। भगवान क्या है, ब्रह्म के स्रोत हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये अपने लगभग टाइम हो चुका है, सो हम समरी करके बताएंगे इसमें क्या क्या हमने आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तीन गुण जो है व्यक्ति को उस जगत में बांध कर रखते हैं। हर एक व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है इन्हीं गुणों के गुणफस्ती कर रहा है, इन्हीं गुणों के अंतर्गत कर रहा है। जीव जब जो ही इच्छा करता है कि मुझे भोग करना है, मुझे एंजॉय करना है ना, भगवान से अलग होके, तो भगवान उसको एक भौतिक जगत में देते हैं। अब इच्छा करिए, अब जीव की इच्छा के अनुसार उसको प्रकृति के दिन उनको प्रभावित करते हैं। हम देखो सत्वगुण व्यक्ति जो है वो सुखी होता है, संतुष्ट होता है, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है, कभी 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 वो संतुष्ट होके सुखी होके वो निष्क्रिय हो जाता है, और या फिर वो अहंकार से विषीभूत हो जाता है दूसरों तुलना करके, और वो सत्वगुण से गिर के रजोगुण में तमोगुण में जाता है। रजोगुण वाला व्यक्ति काफी कर्मठ होगा, मेहनती होगा, वो नाम कमाने चक्कर में रहेगा, प्रतिष्ठा में चक्कर में रहेगा, और वो इसी में फंसा जाता है। रजोगुण में होता है ऐसा, और तमोगुण व्यक्ति काफी आलसी प्रमादी होता है, और वो स्वच्छ स्वतंत्र रहने की कामना करता हुआ वो कुछ नहीं कर पाता और फंसा जाता है, निम्न योनि जाते हैं। हमने इसी समझा कि इनके डेस्टिनेशन क्या है। सत्वगुण वाला व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति सत्वगुण में मरता है वो उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, एटमेट्स वो ब्रह्म लोक तक, जो सत्य लोग कहते हैं, वहां तक जा सकता है। रजोगुण वाला व्यक्ति सकाम कर्म करते हुए सकाम कर्मियों को भी जन्म लेता है पृथ्वी पर। और तमोगुण वाले व्यक्ति का अधोगति होती है, वो 84 लाख योनि में कोई जानवर का, पशु का योनि में जा सकता है, या निम्न लोक में उसका जन्म लेना पड़ता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण में एक कंपटीशन होता है, स्पर्धा रहती है हर एक व्यक्ति के अंदर। जब कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ये आपस में कोई आगे पीछे अपडाउन होता रहता है। कभी सत्वगुण प्रभावित ज्यादा आ गया, कभी रजोगुण आ गया, कभी तमोगुण आ गया। जैसे हमने समझा कि कई बार मन करता है कि आज बहुत दिन हो गए मंदिर गए हुए, तो मतलब सत्वगुण हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, प्रधानता में है। ऐसे कभी रजोगुण, कभी तमोगुण आता है। फिर हमने समझा कि जब अर्जुन ने क्वेश्चन किए कि लक्षण क्या है सत्वगुण में, जो इन तीनों गुणों से परे जाने का लक्षण क्या है, भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि जब वो व्यक्ति इन तीनों गुणों के गुणातीत, इन गुणों तीनों गुणों को लांघ जाता है, तो वो भगवान के समान उनका गुणात्मक दृष्टि से होगा, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है। और फिर भगवान ने उसके आंसर दिए हैं, उनके सिम्टम बताए क्या क्या सिम्टम है, और कैसे प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति करने से इस तीनों गुणों को लांघ सकता है, इस भौतिक जगत से परे जा सकता है, और भगवान को प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। मैं भी अनुरोध करता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी, आई विल बी, मैं प्रयास करूंगा आंसर करने का। I'm just unmuting. देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, कोई किसी कुछ क्वेश्चन वगैरह है चैट में जा सकते हैं यदि कोई दिक्कत है तो। सबसे सिंपल तरीका है भक्ति करने का, आप भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए, भगवान का संग करिए, भक्तों का संग करिए,
भगवद गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करिए, हमारे सभी तरह के ये डाउट्स दूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, नमस्कार। हरे कृष्णा, राहुल श्रीवास्तव जी, दत्तात्रेय जी, निकेश गुप्ता, हरे कृष्णा। गुरु जी, अभी आपने आप बताया कि रजोगुण तमोगुण और हेलो हेलो रसिक्रम रूप जैसे क्वेश्चन देर हेलो एक सेकंड, मैं आवाज नहीं आ रहा मुझे, एक सेकंड देखो। हेलो रसिक्रम रूप जैसे क्वेश्चन देर गुरुजी, अभी बताया आपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो तीन गुण है, हेलो सॉरी सॉरी मैं मेरा स्पीकर का साउंड नहीं पाया। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। यस गुरुजी बताइए गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलिए। हमें सर ये करता गुरुजी कि अभी आपने बताया कि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण तीन गुण जो है मनुष्य के मतलब जीवन में है, तो मनुष्य की उसमें तीन बात रस भी तो है, तीन तरह के बात रस जो हम है ना, जो बात है वायु है और पित्त, पित्त तीन का तीन है ना, तो इनका संबंध है कुछ इनसे क्या? जब हम पढ़ते हैं वात कफ और पित्त, जी जी जी, तो इनसे संबंध है क्या सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से, कुछ रिलेशन है इनका? हम रिलेशन से भी बात करें तो वात कफ पित्त का, यानी वात कफ पित्त क्या है, ये शरीर से संबंधित है सारा, ये भी है ना। हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण से क्या इनका रिलेशन है, इन तीनों रस का इनसे ऐसा डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं कर सकते, पर ये कह सकते हैं कि यार यदि आप सतोगुण में हैं तो चांसेस है कि ये जो है वात कफ पित्त आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी ना हो, क्योंकि जी, आपका जी। आपका जो व्यवहार है, आचरण है, खान पान इस तरह रहेगा कि इनका इफेक्ट जो है कम से कम होगा, जी ये कह सकते हैं। और रजोगुण में क्योंकि हमारा जो काफी हमारा पैशनेट होते हैं काफी ज्यादा, हमारा खान पान जो होता है डिफरेंट तरीका का होता है, तो इनका इफेक्ट रहता है। तो इस बेसिकली वात कफ पित्त जो है ये आयुर्वेद के पार्ट है ना, जो जैसे बीमारी होती है हमारी, तो बीमारियों में सिम्टम्स होते हैं, तो शरीर से रिलेटेड है। और ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, ये व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है कि किस तरह वो किस बंधन में किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कार्य कर रहा है। जी मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लिया किसी को जो है बात रस अगर ज्यादा बढ़ गया, हाँ। तो उसका जो है रजोगुण जो है उसका जो है मतलब इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ मतलब है कुछ इस तरह से है क्या? ऐसा मैंने अभी अस्तक तो मैं सुना नहीं कि अच्छा मैं, लेकिन मैं असल में मैं रिसर्च है ना, तो मैं इस तरह से कुछ देख रहा था, जैसे मतलब किसी का अगर कफ अगर बढ़ गया तो उसका तमोगुण उसका बढ़ गया, मतलब इस तरह से कुछ है रिलेशन क्या, मैं ये पूछा था बस। ऐसा डायरेक्टली मैंने ऐसे सुना नहीं कि अच्छा जी जी मैं बस इतना बता सकता हूँ कि यदि आप जिस गुण के अंदर में है आपके ऊपर बॉडीली इफेक्ट वैसे होंगे, आप तमोगुण में है तो हो सकता है आपको तमोगुण में वाले प्रभाव पड़ेगा। नहीं गुरु जी, एक्चुअली में ऐसा जो आपने जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों बताए हैं, ये तो ऐसा है कि से भाई कोई हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य तो हमेशा ये सोचेगा कि हमें सतोगुण में ही रहूं, हाँ। चाहे मतलब कैसे भी काम करे हो सतोगुण में ही रहूं, क्यों? क्योंकि जो है उसको तो अच्छा करना है, अच्छा रहना है, लेकिन अब उसको खुद पता नहीं है ना कि मैं अच्छा करूं क्या करूं, हाँ। इसलिए कहते हैं ना कि हम इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का संग करें जो हमको बता सकें। जी जी जी। यदि हम ज्ञान ही अर्जित नहीं करेंगे तो क्या, यदि मैं बच्चों को बताऊंगा नहीं कि ए फॉर एप्पल होता है तो कुछ भी समझ लेगा। कुछ ऐसे टाइम कि 40% मनुष्य या जीव ऐसे भी हैं कि जो है किताबें पढ़ के और जो है अपने आप ही मतलब जो है जैसे कुछ भी मतलब बातों देख के अपने खुद ही मतलब ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। स्वयं को पढ़ के हमें
हम कितने सोचें कि मैं स्वयं को पढ़ के मैं ज्ञान अर्जित कर लूं तो संभव नहीं है। किताबें किताबें जैसे किताबें पढ़ के किताबें आप किताबें जैसे पढ़ के आपको जो है उससे कुछ नॉलेज करके, क्योंकि आजकल के युग में तो गुरु जी ऐसा है कि दूसरा मनुष्य क्या करते हैं, सभी मनुष्य मतलब सोचते हैं कि भाई ये मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, तो अपना जो है खुद पढ़ लेता है। देखिए लेकिन फिर भी जो है आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए देखिए मार्केट में आपके पास डॉक्टरी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी में पढ़ी हुई सारी बुक, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं जाके पढ़ लूँ और मुझे लोग डॉक्टर बनके मुझसे इलाज करने आ जाए, जब तक प्रमाणित नहीं किया जाए। वो आप सही कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने मन से जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ ज्ञान अर्जित करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, व्यू पॉइंट होगा मेरा होगा, मैं जो है अपने विचार से उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। असल में जो डॉक्टरी है और जो ये जो मतलब स्पेशल सब्जेक्ट है, मतलब कि आपका ये है, वो अलग चीज है वो तो। लेकिन ये जो भक्ति योग जो आप कह रहे हैं ना, जो भक्ति जो कृष्ण की भक्ति, भक्ति भक्ति है ये जो मतलब कि आपको हमारा जो समाज की प्रति भक्ति है, वो तो आप खुद भी सीख सकते हैं उसको। मान लिया कि दूसरा अगर देख रहा है कि वही दूसरा कोई अगर मतलब गंदा काम कर रहा है, तो आप समझ गया ये गंदा काम कर रहा है, तो मैं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो तो आपको आ सकता है। लेकिन जो जो पर्टिकुलर जो चीज है वो तो आपको उसमें तो गुरु बनाना पड़ेगा ना उसमें तो। हाँ, इवन भक्ति में भी देखिए, जैसे आप देखिए भगवद गीता के यदि आप सर्च करिए, इवन आप अमेजन पे सर्च करिए मुझे भगवद गीता बुक चाहिए, आपको मोर देन 100 वैरायटी ऑफ भगवद गीता मिल जाएंगी, और हर एक बुक में आपको अलग मर्म समझाया गया है। हाँ, अलग ऐसा क्यों हुआ? गीता तो एक है, भगवान ने श्लोक बोले, इसमें 700 श्लोक है, गीता एक है, लेकिन सबने अलग अलग अर्थ क्यों निकाला? हाँ सर, गुरु जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सब अलग इसे लिखा है कि सबने अपना अलग ज्ञान अर्जित किया ना, अपना उसके प्रति आपका दृष्टिकोण अलग है उसका। तो इसका ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने मन से अपने अपने व्यू पॉइंट से इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम भगवान की गीता क्या ऐसा ऐसा ये बुक है, भगवान ऐसा बनाया गया है, जिस भाव से आप इसका अप्रोच करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट देगा। आप जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लिया मैंने केवल भगवान का गीता मैंने नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़े, मान लिया मैं अगर ईश्वर के प्रति मैं अगर दृढ़ हूँ कि भाई मैंने ईश्वर ने मुझे बनाया या ईश्वर ने के प्रति मैं अपना अच्छा मतलब रखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो है ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपका जो है सिर्फ मतलब आपका जो आत्मविश्वास है, जो ये है कि ईश्वर की है तो सब कुछ है, तो इसलिए मतलब ये होता है कि बहुत से लोग किताब नहीं पढ़ते हैं लेकिन हम सबको ज्ञान प्राप्त है, ये भी तो कुछ है सर, ऐसे 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 लोग तो कुछ है। अल्टीमेट पॉइंट है भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, ये ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। निस्तर वही कर रहा ना, जैसे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अनपढ़ है, वो जो जानते नहीं पढ़ना क्या है क्या नहीं क्या नहीं है, तो वो लोग जो है गुरु बनाते हैं, और गुरु में अगर उनको अच्छा मिल गया तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो खुद पढ़ सकते हैं, जो मतलब समझ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ गुरु बनने की जरूरत नहीं है उनको। नहीं नहीं, बिना गुरु के आप भगवान धाम नहीं जा सकते। एक गुरु एक माध्यम है, लिंक है, जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि दूसरी बुक पढ़ने या नहीं पढ़ने वाली बात बताते हैं कि बुक पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, इसका अल्टीमेट एम यही है कि आपके अंदर ये सुदृढ़ विश्वास दिलाया जाए कि मेरा और भगवान के बीच संबंध क्या है, मैं भगवान की कितनी अच्छी सेवा कर सकता हूँ। मैं अल्टीमेट पॉइंट यह है, यदि हम शास्त्र को इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर संशय है, डाउट है, अभी मेरे अंदर से कहीं समझिए कि मेरे अंदर विश्वास है कि भगवान की सेवा करना है, भक्ति करना है, लेकिन कल कोई दूसरा व्यक्ति आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर दे जिससे आपका विश्वास डामाडोल हो जाए, तो आपकी भक्ति छूट गई। तो उस क्रॉस क्वेश्चन को दूर करने के लिए, संशय को दूर करने के लिए हमें शास्त्र अध्ययन जरूरी है, ताकि हम अपना विश्वास पक्का रहे, हमारा संकल्प पक्का रहे। ऐसा है ना गुरु, देखो आप सही कर रहे हैं, देखो आप अपनी जगह से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मान लिया मैंने जो है कोई किताब में नहीं पढ़ी है, या मतलब मैंने जो है किसी को गुरु नहीं बनाया, और मैं अगर अपने ईश्वर के प्रति मतलब बिल्कुल आत्मविश्वासी हूँ, दृढ़ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो है मतलब हमको क्या चाहिए, हमको मतलब गुरु हमको जैसे ज्ञान हमको ये तो करना नहीं, हमको तो ये ना कि लास्ट मोक्ष चाहिए ना हमको, तो मोक्ष तो हम भगवान के प्रति मतलब अच्छा मतलब अच्छा विचार रखे, या मतलब जैसे जो दूसरे के प्रति हम जो अच्छा व्यवहार रखे, तो वही तो भक्ति है, और क्या भक्ति जो है एज पर जो भगवान कृष्ण गीता बोलते हैं। इवन देखिए भगवान कृष्ण जो है सिखाने की मेरा की बात, आप जो है मीरा की बात लीजिए, मीरा की बात, मीरा ने कौन सा गुरु बनाया, आप उन्होंने कृष्ण की जो है प्रति केवल
इतना साउंड भाव रखा कि जो है खुद विश्व के भी जो है मतलब जिंदा रही। तो मतलब ऐसे तो कई लोग हैं ना, सिर्फ इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बिना बिना गुरु ज्ञान जो है मतलब नहीं पाप होता, लेकिन जो है बिना गुरु के भी जो है अच्छे मतलब भगवान के प्रति उनका इतना मोक्ष प्राप्त हुआ, यह सब चीजें बात की। मैंने अब तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सुना कि जी इसमें बिना गुरु के कोई व्यक्ति भगवत धाम गया हो। मैं तो खुद यह है कि हमारा कोई गुरु नहीं है, लेकिन हमारे किसी पर इतना विश्वास है कि अगर हम जो सोच लेते हैं वो जो है मतलब हमको पता लग जाता है, पता बता देते हैं भगवान हमको ये ऐसा ऐसा करो ऐसा करो। वो ठीक है, जहां तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जो सुना है अब तक कि इवन भगवान जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, चाहे भगवान राम का अवतार लें या भगवान कृष्ण है या चेतन महाप्रभु है, उन्हें हर अवतार में आदर्श प्रस्तुत करते हुए कि किसी जीव को किसी भक्त को कैसा होना चाहिए, उन्हें खुद गुरु स्वीकार किया है। भले ही उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, गुरु स्वीकार किया है। गुरु जो होता है हमको गाइडेंस देता है। हम जो ठीक है, मैंने बुक्स पढ़ा, जो बुक्स समझा मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा, जो मेरी जो लिमिटेड बुद्धि है उसे समझ में आया। लेकिन हमें जीवन में कई सारी सिचुएशन आती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका मार्गदर्शन एक गुरु देता है, गुरु या उसके रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। गुरु जो होता है अपने बल पे, मुझे जैसे ये समझिए कि मुझे एग्जांपल ये डॉक्टरी का जब समझिए, मैं लाइब्रेरी से बुक्स सारी निकाल ली मैंने, डॉक्टरी की किसी मास्टरी की एमएस की निकाल ली मैंने, मैं खुद पढ़ रहा हूँ अपने सेल्फ स्टडी से, भले ही कितना मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, लेकिन मुझे तभी मुझे कोई डिग्री नहीं मिलेगी और मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई टीचर होता है, टीचर उसको समझाता है तो जल्दी समझ सकता है और उसको रिकॉग्निशन मिलता है। आपको कहना सही है, मैं आपको मान रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो मतलब आपका एजुकेशन है वो तो सही है, मैं सही करूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर समय भगवान के प्रति मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ बस ऑक्सी ईश्वर के प्रति, मतलब ईश्वर के प्रति मैं गुरु का जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे माय थिंकिंग इज नॉट द पॉसिबल गुरु, मतलब इन राम कृष्ण का नाम लेते हैं ना हम लोग, तो जबकि ईश्वर के जो है 16 अवतार है तो उनमें हरों का नाम आता नहीं है बिल्कुल नहीं। नरसिंह भगवान है, आपका बद्रीनाथ, कोई लोग हैं जो है मतलब राम कृष्ण ज्यादा नाम आता है, ये मतलब ये किस तरह से है? देखो भगवान राम और कृष्ण का नाम जैसे लेते हैं, देखिए आप किसी भगवान का किसी भी अवतार का नाम ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपके किससे ज्यादा अटैचमेंट है, किससे आपको प्रेम ज्यादा है। भगवान राम और कृष्ण का ज्यादा हम नाम इसलिए लेते हैं कि भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, समाज के प्रति, समाज मतलब उन्होंने समाज को दिखाया कि मतलब ऐसा भी ऐसा हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। और कृष्ण का जो है मतलब आपका जो है पूरा ऑल इन ऑल थे, राजनीति थी आपका सब कुछ, मतलब दोनों ही मतलब पर्टिकुलर ऐसे थे कि उन्होंने जो है समाज के प्रति उन्होंने दृष्टिकोण रखा, और बाकी जो हॉर जो ईश्वर के जो अवतार थे वो जो है मतलब क्षणिक थे, बाकी अवतार जो किसी पर्पज के लिए आए उन्होंने कुछ समय ये मैं यही बता रहा था कि मतलब जो है दोनों जो राम कृष्ण हैं वो इसलिए उन्होंने समाज के प्रति और मतलब कि अपने विश्व के प्रति उन्होंने मतलब अपना दृष्टिकोण दिखाया कि ऐसा हम करो ऐसा करो ऐसा करो, और बाकी जो और लोग थे वो जो क्षणिक थे, क्षणिक में उन्होंने अपना अपना पर्पज पूछ के चले गए। तो ये मैं जानना चाहता था कि यही तो ठीक है गुरु जी, आपका जो है हम किसी भगवान के किसी अवतार का हम नाम ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ये बस ये है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो ज्यादा बल मिल सकता है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जी हाँ जी जी जी। और चार धाम जो है गुरु जी, जैसे मतलब कि बद्रीनाथ है, द्वारकाधीश है, और जगन्नाथ है, और रामेश्वरम, चार धाम जो ये बनाए गए ना, तो इनका औचित्य क्या है? इनका औचित्य क्या है जी? ये जो चार धाम जो है, जैसे बद्रीनाथ धाम है, चारों वैसे चारों भगवान कृष्ण के ही है वो से, तो क्योंकि रामेश्वर में केवल शिव और राम है, लेकिन बाकी तो तीनों भगवान कृष्ण के ही हैं, जगन्नाथ हैं, द्वारकाधीश है, बद्रीनाथ भी उन्हीं का ही जो है वो है, लेकिन ये कि मतलब इनका औचित्य क्या है, मतलब कि समाज को मतलब क्या करने का वो है इनका, जैसे चार धाम में जो है। जहां तक मेरी समझ में आता है कि ये बताया क्या है, कर्म कांडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम सभी धामों की यात्रा करे। यात्रा धामों जाने का अर्थ क्या है? धाम जाने का अर्थ ये हुआ कि वहां जाके हम भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान के नाम के गुण लीलाओं का चिंतन करें, चर्चा करें, कुछ समय व्यतीत करें। ये नहीं है कि हम आजकल क्या हो गया कि हम टिकट कटाते हैं और सोचते हैं कि जून आ गया है,
चलते हैं बद्रीनाथ चलते हैं, वहां पर ठंडा मौसम होगा, पिकनिक मनाया जाते हैं, धाम पहले तो इवन आज से 50-60 साल पहले भी ऐसे बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति चार धाम यात्रा पर जाता था तो लोग घर वाले क्या करते थे, पहले इसका अंतिम संस्कार कर देते थे घर से, क्योंकि वो समझते चार धाम मतलब ये जीवन की अंतिम यात्रा है और कोई व्यक्ति जिंदा लौटेगा या नहीं लौटेगा, क्योंकि चार धाम समझे कि एक तरह से उन्होंने इन चारों धामों में भगवान की विशेष कृपा, धाम का अर्थ क्या हुआ, भगवान ने वहां पे एक विशेष लीला करी है, वहां पे उसे विशेष वहां पे भक्ति करने का, वहां पे श्री त्यागने का आपको विशेष कृपा मिलती है। जी 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 जी, जैसे बोलते हैं ना कि काशी में कोई व्यक्ति श्री त्यागता है तो भगवान सिर्फ उसके कारण बोलते हैं, राम बोलते हैं जी जी, ताकि वो भगवान राम के धाम जा सके जी, भगवान धाम देने का अर्थ क्या हुआ कि उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ा इस धरती पे। जी जी जी, भगवान धाम देने के, भगवान के धाम में जाके हमने जप करने, अब मैं यहाँ माला जप करता हूँ एक माला जी, अब भाई मैं वृंदावन में मायापुर में जगन्नाथपुर में जाकर जप करूँ तो एक माला का जितना मुझे प्रभाव मिलना चाहिए उसके कई हजार गुना मिलेगा वहां पे। जी जी जी, जैसे अभी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 16 तारीख तक चल रहेगा ये चलेगा, जिस महीने हमने जिसने माला स्टार्ट किया समझिए उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ स्टार्ट किया है। जी जी जी, एक माला करना समझिए कि आपने कई हजार माला करने के बराबर अपने पुण्य भक्ति का भाव अर्जित किया है। जी जी जी, लगता है कि आप जितने ग्रुप हैं कई लोगों ने माला स्टार्ट किया होगा, भगवान का नाम जप स्टार्ट किया होगा, ये बहुत बड़ा यज्ञ स्टार्ट किया है आपने, इस तरह आपने अपने ऊपर उपकार किया है, समाज के ऊपर उपकार किया है, परिवार पर उपकार किया है, जीवों पर उपकार किया है। ठीक है गुरुजी, आपसे करें मैं सर ये आपसे पूछता हूँ, जैसे ये कहते हैं कि पुनर्जन्म मतलब नहीं होगा ना सर, तो अगर मान ले प्रत्येक विश्व प्रत्येक मनुष्य ये सोचे अगर पुनर्जन्म ना हो तो फिर जो है तो मैं समझता हूँ कि फिर तो कोई जन्म नहीं लेगा तो जो है कैसे संसार चलेगा। देखिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे देखा जाए तो बहुत जीवों की संख्या अनंत है जी, आप श्रीमद् भागवतम के जो सेकंड कंटो में पढ़ेंगे जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे होते हैं इस प्रकृति का उद्गम कैसे हुआ, तो अब आपने भी देखा होगा पोस्टर में कि एक विष्णु जी जो है लेटे हुए हैं समुद्र में और उनके शरीर से क्या है बुलबुले निकल रहे हैं ना, और बुलबुले के अंदर एक और विश्व है जिसके अंदर एक और विष्णु है, तो कहते हैं कि भगवान इनका नाम बोलते हैं हम विष्णु के महाविष्णु है, गर्भोदक्षा करुणोदक्षा विष्णु, तो महाविष्णु के शरीर के जब श्वास से जब बुलबुले निकलते हैं हर बुलबुले में एक ब्रह्मांड बनता है, और जो जीव जो इस भौतिक जगत में है अनंत जीव है, अनगिनत जीव है, हम हमारी दृष्टि के हम तो देख रहे हैं केवल कि भाई इस धरती पे 7 अरब लोग हैं आदमी हैं, लेकिन देखा जाए तो कितने सारे जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, कीटाणु हैं। गुरुजी मैं भी आपसे अब देखो सर, गुरुजी मेरा क्वेश्चन मेरा प्रश्न हल हो गया, देखो मैं आपने कहा कि विष्णु लेटे हुए हैं ये तो हमने तो नहीं देखे ना, वो सिर्फ सुखदेव के मुंह से हम सुन रहे हैं ना उनको, तो सुखदेव के मुंह से सुन रहे हैं ना कि भाई मतलब उनसे सुन रहे हैं कि भाई उन्हें जो उन्होंने जो लिखा है उन्होंने जो पढ़ा है उसी के उससे हम सुन रहे हैं कि भाई भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु के इतने बुलबुले हैं यहाँ से वो निकल रहे हैं, ये तो हमने तो उसको देखा नहीं, हमने हम केवल उनकी किताबी भाषा जो उनके जो लिखा है उनसे मुंह सुन रहे हैं, किताबी नहीं इसका हम कहते शास्त्र कहते हैं स्क्रिप्चर्स, ज्ञान प्राप्त करने के, देखिए ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं जी, एक होता है शब्द प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण और तीसरा होता है क्या, शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण ज्ञान अप्रत्यक्ष प्रमाण, तो हम अनुमान प्रमाण से वो करें ना, नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जिसमें हमने सामने से देखा कि मैं देखा सामने एक बॉल पड़ी है तो उसमें बॉल है, लेकिन हर एक का क्या है लिमिटेशन होता है, हर एक इनका प्रत्यक्ष प्रमाण का लिमिटेशन क्या है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम मैं बोले कि मैं बोलूं कि भाई सामने वाले व्यक्ति के अंदर दिमाग है कि नहीं है, आंखों से देख नहीं सकता दिमाग ही दिखाई देगा लेकिन दिमाग तो है जी, देख सकता है कोई साइंटिस्ट की हमारे अंदर मन है नहीं देख रहा, प्रत्यक्ष के यदि हम प्रत्यक्ष बेसिस पर जाएं तो मन है ही नहीं जी जी जी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ फेल हो गया जी जी जी। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान मतलब कि हम गैस वर्क करते हैं कि हाँ आज बारिश बादल देखते हैं मौसम देख रहे हैं कि भाई सैटेलाइट से कि बादल आ रहा है तो यहाँ बारिश की संभावना है, जब इतना बादल होते हैं तो कुछ बरसात होती है, तो लेकिन अनुमान प्रमाण भी हर बार 100% सही नहीं होता, नहीं सही हाँ सही सही करें सही करें। तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण कहते हैं, शास्त्र प्रमाण तो आपका वो है ना, शास्त्र प्रमाण तो आपको मतलब यस, तो तीसरा जो शब्द प्रमाण जो है शास्त्र जो है ये शब्द प्रमाण में आते हैं, मतलब किसी ने व्यक्ति ने देखा हुआ है उसने नोट डाउन किया हुआ है किसने नोट डाउन किया हुआ, तो शास्त्र क्या है वास्तव में भगवान की वाणी है, वाणी है जो
इसलिए हम इसको स्क्रिप्चर्स को हम प्रूफ लेकर चलते हैं। इवन आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में ऐसी कई सारी बातें हैं जो ये शास्त्र लिखे गए हैं आज से 5000 साल पहले व्यासदेव डॉक्यूमेंट फॉर्म में किया, लेकिन उनके अंदर आज की बातें लिखी हुई हैं। जैसे आप भागवतम में पढ़ेंगे, 12वें स्कंद में पढ़ेंगे, तो आपको चलेगा पता कि उसमें लिखा हुआ कलयुग में जो है औरतें केवल धन की वजह से अपनी पत्नियां जो धन की वजह से अपने पति को छोड़ देंगी। और जो सही हाँ छूट रहे छोड़ भी रहे हैं आजकल, छोड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं। अब देखो ये कंसेप्ट आज से इवन 50 साल पहले तक इंडिया में नहीं था। देखा जाए डाइवर्स जो है आई थिंक 1980 से आना स्टार्ट हुआ है, 1970-80 से, उससे पहले इंडिया में डाइवर्स कंसेप्ट था ही नहीं। आम से हाँ ठीक है ठीक है, ये बात 5000 साल पहले लिखी हुई है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि जब बच्चा जब गर्भ में होता है, 9 महीने गर्भ में होता है, तो किस सिचुएशन में कैसी हालत होती है, कब उसका आंख बनता है, कब नाक बन रहा है, कभी उसका लंग बन रहा है, साइंस प्रूव कर रहा है, ठीक है 3 महीने में ये होगा, 2 महीने 6 महीने में होगा। जी सर, आपसे 50 साल पहले जब है साइंस ने जो थोड़ी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि हाँ क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। तो ये सब बातें ऐसी हजारों बातें हैं जी। यहाँ तक कि इसे सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, सम्राट अशोक का नाम भी भागवतम के फर्स्ट कैंटो में लिखा हुआ है जी। क्योंकि श्रील व्यासदेव कहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम डालना चाहिए, सब इतने पति समझ के होंगे, तो लास्ट सम्राट अशोक है। तो ऐसे कई सारे प्रूफ दिए गए हैं शास्त्रों में जो सिद्ध करते हैं कि शास्त्र क्या है, इनको हमें प्रूफ की तरह मानना चाहिए, इन पर विश्वास करना चाहिए। जी जी, हमको ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ ही बोल दें बात मान लें जी, कोई कुछ बुक लिख दे मान लें, उसका प्रूफ होता है जी, प्रूफ है जी। ठीक है, थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा गुरु जी। गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप अस्वस्थ हो गए हैं, अस्वस्थता में भक्ति करना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस केस में ये ऑप्शन है क्या, उसको उस दिन न करें तो कोई वो तो नहीं है, ब्रेक हो जाता है दिनचर्या जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा विचार बताएंगे कि क्या करना चाहिए? तो भगवान का नाम आप किसी भी स्थिति में ले सकते हैं, अस्वस्थ शरीर जैसे हो गया है और यदि आप देखिए आप लेटे हुए हैं, यदि आप बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा है तो ठीक, कोई भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपका लिप भी चल रहा है, यदि मन भी चल रहा है, यदि आप कर सकते हैं, मन में भी भांग नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई ऐसा पाप नहीं है। इवन देखो भगवान का नाम आप किसी क्षण भी, इवन आप टॉयलेट बाथरूम में भी हैं, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सुना सकते हैं। वो अपनी दिनचर्या है, वो दिनचर्या उत्तम दिनचर्या जो है डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसको बनाने के लिए, एडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए दिनचर्या मतलब मैं समझ पाता हूँ कि आप कहना चाहते हैं कि आप भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ये हाँ, तब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो शरीर अस्वस्थ है, नहीं है तो आप उसको ठीक है होल्ड कर लिया आपने कुछ समय के लिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण रहना चाहिए। आप आरती नहीं कर पाए, कुछ नहीं ठीक है, चला गया मंदिर नहीं जा पाए, ठीक है उस ओके, लेकिन मन से मतलब हमेशा रत रहे हैं, मन से रहिए, माला पे जप करते रहिए, क्योंकि देखो जीवन माला तो नहीं है न करें, अपने वैसे हाथ से कर लें तो वो पॉसिबल है ना? हाँ पॉसिबल है। देखिए जीवन सबसे देखो हमें समझने वाली बात यह है, जीवन का भरोसा नहीं कि कब शरीर है कब नहीं है, और खास तौर से जब अस्वस्थ हैं तो ऑर्डर रहता है, तो इसलिए कम से कम यदि हम अस्वस्थ हैं, बिस्तर लेटे हुए हैं, हमें कुछ हो गया है, तो भी हम भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम बोलने में सक्षम नहीं है, ऐसी सिचुएशन है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन वाला टेप रखिए साथ में, जैसे शिल प्रभुजी कीर्तन है हरे कृष्ण कीर्तन वाला चला कर रखिए, वो कान में जाएगा आपका कान में। यहाँ तक कई सारे ऐसे भक्त हैं बताऊंगा मैं कि वो रात को सोते भी हैं तो क्या करते हैं, ये चैंटिंग मशीन ऑन करके सोते हैं, ताकि क्योंकि जब हम सो जाते हैं ना हमारे शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, केवल दिमाग और कान, मन और कान काम करता है और कोई काम नहीं करता, तो उस समय कैसे हम भक्ति कर सकें, तो वहां का कीर्तन सुनेंगे, सुनते सुनते सोते हैं तो मन में वही चलता है, और इस तरह हम सोते हुए भक्ति कर सकते हैं, ये पाठ हो गया एक तरह से। हमें सतत हम कीर्तन करना है ना, भगवान का नाम का हमेशा कीर्तन करना है, तो ये एक तरीका है। अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि माला से किया जाए, या मन श्रवण करना भी जो वो भी भक्ति है। माला से देखो, माला से तब करना है यदि हम सक्षम है, तो माला से करना है। यदि हम ऐसे हालत हो गई है कि हम माला भी नहीं कर सकते, मुंह से बोल भी नहीं सकते, तब सुनना जरूरी है।
ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। यस गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी, बोलिए गुरु जी। गुरु जी दो चीज मुझे थोड़ा पूछना था आपसे, थोड़ा बताएंगे तो बड़ा कृपा होगी। एक तो जो कलयुग, जो हरेक युग है 432,000 साल का होता है हरेक युग, हाँ। तो अभी कलयुग का कितना मतलब खत्म हो चुका है ये थोड़ा पता करना था मुझे। कलयुग के जो आज से 5,000 साल पहले, हाँ, कलयुग जो है आज से 5,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो 5,000 हो चुके हैं। 5,000 हो चुके हैं। और ये जो बताते हैं कलयुग का ड्यूरेशन है 4,27,000 बताया है ना, 4,27,000 से कुछ है, 5,000 साल निकला हुआ अभी। और बताते हैं कलयुग, कलयुग का स्टार्टिंग है भी ये। हर एक युग है 4,32,000 का होता है, चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो, नहीं 4,32,000 साल का होता है कलयुग। होता है 4,32,000 का, द्वापर होता है दुगना, तो 8,64,000 हो गया, त्रेता हो गया इसका दुगना, तो 8,64,000 का दुगना हो गया 16,00,000 कुछ, और सतयुग होता है उसका दुगना। सभी बराबर नहीं है। नहीं बराबर नहीं है, सब नहीं बराबर। अच्छा डबल डबल है मतलब, डबल डबल होते जाते हैं, डबल डबल है। अच्छा अच्छा, मतलब इसका डबल द्वापर, इसका डबल है कलयुग का। यस, कलयुग का डबल है द्वापर, द्वापर का डबल है त्रेता, और त्रेता का डबल है सतयुग। सतयुग और कलयुग के बाद क्या आएगा? अभी कलयुग के बाद फिर से एक साइकिल सकते हैं। सेकंड कहते हैं, हाँ हरे कृष्णा, कहते हैं कि ये जो साइकिल चारों युग का साइकिल चलता रहता है, तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, फिर से सतयुग देता, द्वापर देता और कलयुग आता है। एक चीज और पूछ रहा था गुरु जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ। कि हमको जो गुरु कैसे ढूंढना चाहिए, किसको बनाना चाहिए सच्चा गुरु, क्योंकि हर लोकलिटी में थोड़ा सा मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, सच्चा गुरु ढूंढना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सच्चे गुरु बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आपको सच्चा गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे आपको रास्ता दिखाएं, जो मुझे ऐसा व्यक्ति प्रदान करेगा जो मुझे आगे बढ़ते। क्योंकि हर लोकलिटी में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, हर लोकलिटी में ऐसा नहीं है। भगवान अपने जो जो होते हैं ना कि दूतों को भेजते हैं, हाँ, आपको रास्ता दिखाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा गुरु जो है मेरे घर के बगल में होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 10-20 किलोमीटर दूर भी चलेगा, लेकिन सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सच्चा गुरु मिलता है, देखिए आप देखिए, सिंपली आपको भगवान से प्रार्थना करना है, सिंपली प्रार्थना करिए तो आपको ऐसा ऐसा कोई मार्गदर्शक दिखाएंगे, कोई पथ प्रदर्शक देंगे जो आपको ये गुरु प्रदान कर सके, जिसे आप। सही सही बोला आपने, एकदम सही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न? ठीक है, तो आज का विराम देंगे। बस आपसे प्रार्थना है कि जो आप पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं कुछ, यदि कुछ इसके आपके हृदय में गया तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। आप भगवान का नाम का जप करिए, कीर्तन करिए। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में भगवद गीता सुनने का पढ़ने का जिसको मौका मिलता है, मतलब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। तो जिस जिसके पास नहीं है भगवद गीता, ये ऐसे आई थिंक सबके पास होगा, ये ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़िए और ज्ञान को बांटिए। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को खुद स्मरण करता है, पढ़ता है और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, भगवान उससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति का बहुत बड़ा पार्ट है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।